इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगली जो आए हैं सीमा को पार करके, तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी हमारे देश के किसी भी कोने का सदस्य अगर वहाँ रहता होगा तो उसको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बार 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 सरकार जो है उन लोगों को अपना रेसिडेंट प्रूफ करने की बात करी है, तो मैं समझता हूँ एक NRC ऐसी हमारे गृह मंत्रालय ने और असम सरकार ने शुरुआत की, जिसके आधार पर न सिर्फ हम आतंकवाद को एक बड़ी चोट पहुँचाएंगे, बल्कि जो लोग वेश बदल करके हमारे देश में अपराध करते हैं, नागरिकों पे हमला करते हैं, उस पर भी हम बड़ी विजय पाने की स्थिति में हैं। सर, बहुत सारे स्टेट्स के एटलीस्ट पता होना चाहिए उनके रेजिडेंट्स कौन हैं। आपको लगता है दिल्ली में ये लागू हो सकता है या होना चाहिए? मेरा मानना है कि दिल्ली में ऐसी ये स्थिति खतरे के ऐसे ऊपर बढ़ रही है कि NRC का होना दिल्ली में बहुत आवश्यक है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग इलीगल घुसपैठिए आए हैं और दिल्ली में बस रहे हैं, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, और उनके ऊपर भी ये NRC कार्रवाई होनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारा यही मत है, और समय मिलते ही हम इसको करके भी रहेंगे।